नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र चौहान। स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है, ना दुकानें ना कोई काम चल रहा है। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो पूरा टॉपिक स्टूडेंट पर ही बेस्ड है। मुझे लगता है मेरे अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र साथी ही जुड़े हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जाहिर सी बात है, कोरोना के चलते हमारी प्राथमिकता हमारे और देश के और हमारे स्वास्थ्य को लेकर है, हमारी सुरक्षा को लेकर है। लेकिन ऐसे में अभी भी कोई एक है जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं। जी नहीं, मैं सब्जी भाजी या फिर दूध वालों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मकान मालिकों के बारे में, लैंडलॉर्ड के बारे में। एक तरफ जहाँ हमारा पूरा व्यवसाय बंद है, हमारा पूरा काम बंद है लॉकडाउन के चलते, ना कोई किसान मजदूर अपने काम पर जा पा रहा है, ना कोई छोटा बड़ा व्यापारी किसी भी प्रकार से कोई आमदनी कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर भोपाल या बड़े शहरों में पढ़ने वाले छात्रों को मकान मालिकों के द्वारा हर रोज फोन लगाया जा रहा है, उन पर किराया भरने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और किराया नहीं भर पाने की स्थिति में उनका सामान बाहर फेंक देने की धमकियां दी जा रही है। हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे छात्र हो जिनके पास मकान मालिक के हर रोज फोन आ रहे होंगे, रूम रेंट को भरने को लेकर दबाव बनाया जा रहा हो, जो कि सरासर गलत है। चलिए मान लेते हैं हम में से कई सारे साथी रूम रेंट देना भी चाहते हो, हम लोग किसी भी UPI ऐप के माध्यम से मकान मालिक को किराया भर देंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जो गाँव में रह रहे हो, उन्हें किराया भरने के लिए कम से कम उनके नज़दीकी बैंक तक तो आना ही होगा। अब ऐसी स्थिति में जिस तरह शहरों को लॉकडाउन किया गया है, शहरों में नाकाबंदी की गई है, कोई ना अंदर जा सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, उसी प्रकार से ग्रामीणों के द्वारा गांव को भी लॉकडाउन कर दिया गया है, गांव के हर एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति रूम रेंट देने के लिए बैंक तक आना भी चाहता हो तो यकीन मानिए आप, वो व्यक्ति बैंक तक तो दूर, खुद के गाँव के बाहर भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये सब छोड़िए, जब हमारा काम ही बंद है, खेती किसानी मजदूरी व्यापार बंद है, किसी प्रकार से किसी कोई कमाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में मकान मालिक कौन है जो कमाई करे, जो हमसे किराया वसूले। ऐसे में मकान मालिकों की भी 2 महीने की कमाई बंद होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में हम प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे आपके मामा श्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को लेकर, स्टूडेंट्स के लिए जल्द से जल्द स्टूडेंट एक्शन प्लान लेकर आए, जिसमें स्टूडेंट्स और मकान मालिक को लेकर गाइडलाइंस बनाए जाए। कम से कम स्टूडेंट को रूम रेंट भरने के लिए लॉकडाउन खुलने तक का तो समय दिया जाना चाहिए। अब सुनिए सबसे खास बात, कायदे से तो मुख्यमंत्री जी को छात्रों के 2 महीने का किराया माफ कराने को लेकर प्रयास करने चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हमारी कोई इनकम नहीं हो रही है तो मकान मालिक की क्यों हो भला। डॉक्टर हीरालाल अलावा जो कि मनावर से विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि जो भी छात्र इंदौर भोपाल या प्रदेश के बाहर पर प्रदेश में पढ़ रहे हैं उनका किराया माफ़ होना चाहिए या शासन के द्वारा भरा जाना चाहिए। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बात पर कितना अमल किया जाता है, वो छात्रों के लिए क्या करते हैं। लेकिन तब तक के लिए तो आज मकान मालिक के हर रोज़ छात्रों के पास फ़ोन आ रहे हैं, छात्रों पर दबाव बन रहा है, छात्रों को धमकियाँ मिल रही है कि उनका सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। आज छात्र तनाव में हैं। मुझे लगता है मेरे सभी सोशल अकाउंट्स पर सबसे ज़्यादा छात्र साथी ही जुड़े हैं। हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे साथी हो जिनके पास मकान मालिक के द्वारा हर रोज फ़ोन लगाकर रूम रेंट को लेकर दबाव बनाया जा रहा हो। हमें सभी सोशल अकाउंट्स पर, फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, हमें सभी सोशल अकाउंट से एक ही मांग रखनी है कि मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे 2 महीने का किराया माफ़ किया जाए। और जिन साथियों पर दबाव बनाया जा रहा है वो साथी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल्द से जल्द स्टूडेंट एक्शन प्लान पर काम किया जाए। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप पर भी दबाव बनाया जा रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।